मित्रों, न्यूज उत्तराखंड समाचार से मैं मुनीष शर्मा आपका अपना प्रिय। आज हम खड़े हैं शहीद भगत सिंह चौक पर और हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अतुल कुमार शर्मा जी, जो बार काउंसिल के इलेक्शन में अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से इनका कैंपेन चल रहा है और इलेक्शन कल की तारीख में इलेक्शन है, क्या महसूस कर रहे हैं इलेक्शन के विषय में। शर्मा जी नमस्कार। शर्मा जी, जैसे कि बार काउंसिलिंग का इलेक्शन है, कल अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं आप एक प्रत्याशी के रूप में, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी कैसी कैंपेनिंग चल रही है और क्या महसूस कर रहे हैं आप, कैसे इलेक्शन कैसा होने वाला है? देखिए, मैं बार एसोसिएशन रुड़की के अध्यक्ष पद का दावेदार हूँ जी, और मेरा तो सभी अधिवक्ताओं से निवेदन चल रहा है कि आप सही को चुने, आप बार एसोसिएशन के हित को देखें और ये देखें कि कौन बार एसोसिएशन का भला कर सकता है। आप जब भी वोट देने जाएं, जब ये देखें कि कौन उसको ही वोट दें। शर्मा जी, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अगर मान लीजिए आप इलेक्शन जीत जाते हैं, या किस मुद्दे पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? प्राथमिकता तो ये है कि मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, बिल्कुल फेयर मीन से लड़ रहा हूँ। मैंने ये बिल्कुल अपने से वादा किया है कि मैं इलेक्शन जीतने के लिए कोई भी अनफेयर मीन्स नहीं अपनाऊंगा, पहला तो ये है। और दूसरा ये है कि अगर मैं अध्यक्ष चुना जाता हूँ तो अधिवक्ता हित के लिए सदैव खड़ा रहूँगा और उनके साथ चाहे रात हो दिन हो मैं उनके लिए कार्य करूँगा। शर्मा जी, इलेक्शन कल है, अभी रात का समय है, अपने अधिवक्ता साथियों से क्या अपील करेंगे? मैं सभी अपने अधिवक्ता साथियों से निवेदन करूंगा कि आप कल वोट जरूर दें और वोट देते समय बार एसोसिएशन के हित को ध्यान में रखें। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। तो ये थे हमारे साथ दीपक शर्मा जी, जो कल इलेक्शन की दौड़ में अध्यक्ष पद के लिए उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अपने अधिवक्ता साथियों से स्पष्ट रूप से कहना है सही को चुने, बार एसोसिएशन की अपनी जो जिसके लिए कोई खड़ा हो सके ऐसे व्यक्ति को चुने, और इनका स्पष्ट रूप से एक निवेदन है कि वोटिंग जरूर करें। न्यूज़ उत्तराखंड समाचार से मैं मुनीष शर्मा अपने सहयोगी अनुप सैनी के साथ, धन्यवाद।